दोस्तों, बॉलीवुड के दो धुरंधर शाहरुख खान और आमिर खान पिछले 3 दशकों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। ये दोनों अब तक फिल्मों में काम कर रहे हैं और दोनों के ही दुनिया भर में चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि आमिर खान और शाहरुख खान पहली बार साल 1995 में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने हुए थे। उस दौरान दोनों ही सुपरस्टार का बॉलीवुड पर दबदबा था। एक तरफ जहां शाहरुख खान करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ टॉप एक्टर में शुमार थे, तो वहीं आमिर खान रंगीला के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। इसी बीच पहली बार ऐसा मौका आया जब साल 1995 में आमिर खान की फिल्म अकेले हम अकेले तुम और शाहरुख खान की फिल्म राम जाने एक साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी। एक तरफ जहां अकेले हम अकेले तुम 30 नवंबर 1995 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो वहीं राम जाने 1 दिसंबर 1995 को रिलीज हुई थी। वैसे तो इन दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा असर देखने को मिला था, लेकिन इसमें बाजी शाहरुख खान मार गए थे। शाहरुख की राम जाने ने आमिर की अकेले हम अकेले तुम को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया था। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार राम जाने का कुल बजट 4 करोड़ के आसपास था और इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं आमिर की अकेले हम अकेले तुम को बनाने में मेकर्स के कुल 4.5 करोड़ रुपए लगे थे, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री की। उनकी फिल्म पठान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब वह अपनी अगली फिल्म जवान को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं। वहीं आमिर की आखिरी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हो पाए। फिलहाल आमिर अभी एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपने परिवार को पूरा वक्त दे रहे हैं। दोस्तों, इन दो बड़े सुपरस्टार्स में से आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, इस बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।